डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर होती हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हर स्टेज की पॉलिसीज अलग होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस क्या होती हैं और उसकी अल्टीमेटली पोजीशन हम क्या लेंगे। एक मिनट दें हम मुझे एक। अच्छा जी चलो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ इसको। सही राइट सर ये टॉपिक नंबर 4 राइट जी। ओके अब देखें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ये जो स्केच बना हुआ है इसके अंदर आपको एक टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है और एक आपको सेल्स की जो है वो लाइन नज़र आ रही है। और इसकी यूजुअली चार स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज कहलाती है इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरी स्टेज कहलाती है ग्रोथ स्टेज, थर्ड कहलाती है मैच्योरिटी और फोर्थ कहलाती है डेक्लाइन। यानी कि किसी भी कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट होगी तो वो प्रोडक्ट कुछ प्रोडक्ट्स ग्रोथ स्टेज पर होती हैं, कुछ मैच्योरिटी पर होती हैं, कुछ डेक्लाइनिंग स्टेज पर होती हैं, कुछ नई प्रोडक्ट्स होती हैं वो इंट्रोडक्टरी स्टेज के ऊपर होती हैं। सही है राइट सर ये हमने मार्केटिंग के उस पे पढ़ा था। जी ये मार्केटिंग के अंदर भी पढ़ाया जाता है बिल्कुल। यस सर क्योंकि इसका ताल्लुक प्राइसिंग से है और मार्केटिंग प्राइसेस आपस में कनेक्टेड है, इसका ताल्लुक एडवर्टाइजमेंट से भी है। यस सर। अच्छा जी सो पहली स्टेज हो गई आपकी इंट्रोडक्टरी फेज, देन ग्रोथ फेज, देन मैच्योरिटी एंड देन डेक्लाइन। राइट सर बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जो प्रोडक्ट की इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है जहाँ पर एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है अल्टीमेटली, तो उस स्टेज के ऊपर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और क्या क्या उसके अंदर इश्यूज आ सकते हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्टरी स्टेज के ऊपर सबसे पहले जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा तो उसकी लॉन्चिंग कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ह्यूज होती है। अंडरस्टूड बात होती है कि उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, तो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप हाई मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करते हैं, तो उससे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी अचीव होना मुश्किल काम होती है इनिशियली। वैसे तो प्रोडक्ट की नेचर पर डिपेंड करता है लेकिन जर्नली हम ये कहते हैं कि जो प्रोडक्शन वॉल्यूम होते हैं वो जर्नली यानी कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा हो जाए लेकिन इन जर्नल प्रोडक्ट के जो वॉल्यूम होते हैं वो लो होते हैं। और इनिशियली जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो हाई होती है और उसकी एक वजह यह है कि इनिशियली फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट मौजूद होता है और वो रिकवर नहीं हो पाती, तो आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो हाई होती है। इनिशियली उस प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट एक नई प्रोडक्ट होती है तो लोगों को उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, तो कंपटीशन में भी लोगों को पता नहीं होता है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो प्रोडक्ट के कंपटीशन बहुत कम होता है, कॉम्पिटिटर्स नहीं होते उसके। और प्रोडक्ट जो हो सकता है वो एक जर्नलाइज्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है और एक यूनिक प्रोडक्ट भी हो सकता है। करेक्ट। अगर एक यूनिक प्रोडक्ट है तो फिर आप उसकी मार्केटिंग या प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो भी बनाते हैं उसके अंदर दो प्राइसिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल होती हैं। एक कहलाती है स्कीमिंग प्राइसिंग और एक कहलाती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। सर बोइंग की एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग? हाँ बोइंग की एग्जांपल हो सकती है क्योंकि सर वो यूनिक प्रोडक्ट है। यस मतलब किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। तो अब अगर स्कीमिंग स्ट्रेटजी होगी तो प्राइस हाई रखी जाएगी, पेनिट्रेशन होगी तो प्राइस लो रखी जाएगी। ये आवाज ध्यान में रखें। ओके क्योंकि एग्जाम में आपको सूटेबिलिटी के ऊपर हो सकता है डिस्कस करना पड़ेगा किस प्रोडक्ट की प्राइस लो रखी जाती है, किसकी हाई रखी जाती है। हाई रखेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लो रखेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है राइट सर। ये तो बात हो गई इंट्रोडक्टरी स्टेज के ऊपर। जब प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज से निकल जाती है, कुछ प्रोडक्ट बहुत जल्दी निकल जाती है और जल्दी ग्रोथ स्टेज पे आ जाती है, कुछ प्रोडक्ट थोड़ा सा लेट आती है, तो ग्रोथ स्टेज पे आने के उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे पता लगेगा कि प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पर आ गई है? उसके सेल्स वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएंगे, नंबर वन। सही है। जब सेल्स बढ़ेगी अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट इनिशियली लॉस मेकिंग होता है लेकिन जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करेगी, पहले ब्रेक इवन पर आएगी और उसके बाद प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएगी। राइट सर। जब ग्रोथ स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट आएगी तो जो आपके मार्केट में दूसरी कंपनीज हैं वो कहेंगे कि एक नई इन्वेस्टमेंट आ गई है मार्केट के अंदर जिसके अंदर प्रॉफिट मौजूद है, तो कंपटीशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। राइट सर। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं उबर की। यस सर। उबर ने जब बिजनेस लॉन्च किया तो उसके बाद जो आसपास फर्म्स थी उन्होंने भी अपने बिजनेस लेकर आना शुरू कर दिया। अब उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत टफ कंपटीशन हो रहा है।
सर वो जो एग्जिस्टिंग जो टैक्सीज जो लिमो थी जी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था जी. और उसके साथ क्या होता है कि फिर उस प्रोडक्ट के नए सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, नए सेगमेंट्स डेवलप किए जाते हैं, सही है, एड ऑन फीचर्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर लिए जाते हैं. सही. जब वो प्रोडक्ट फुली जो है ना वो पब्लिक अवेयरनेस हो जाती है, लोग उसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर आ जाती है. मैच्योरिटी स्टेज की एक बहुत बड़ी निशानी ये होती है कि प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो स्लो डाउन हो जाती है. ग्रोथ स्टेज के ऊपर ग्रोइंग सेल्स होती हैं, बढ़ रही होती हैं, और मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर ग्रोथ स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है. ठीक है. Okay. अब उस स्टेज के ऊपर अगर आपको उस प्रोडक्ट को स्टे करवाना है मार्केट के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती है. करेक्ट. और उस मॉडिफिकेशन के लिए आपको कंटिन्यूअसली R&D के ऊपर पैसा लगाना पड़ता है. Right, सही है. एज ए रिजल्ट क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, तो अब कॉम्पिटिटर्स को ये डिसाइड करना पड़ता है कि जी किसको मार्केट में स्टे करना है, किसको जाना है. ह्यूज कॉम्पिटिशन हो रहा होता है. सर कोक पेप्सी, यस कोक पेप्सी और नेस्ले की एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर. कोक पेप्सी कंपैटिबिलिटी के अंदर तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर है और स्टेक की आवाज ऑन प्रोडक्ट. सर जिस तरह वो जीरो कंपटीशन तो नहीं है उधर, वो क्योंकि वो टाइप ऑफ ओलिगोपोली स्ट्रक्चर है दोनों का, तो वो आपस में कंपटीशन करते नहीं है सर जैसा होना चाहिए. सर क्योंकि जब पेप्सी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो कोक भी फिर उसके मुकाबले में ले आता है और नेस्ले भी उसके मुकाबले में ले आता है. लेकिन उसको मैच्योर तो नहीं कहेंगे, मैच्योरिटी के स्टेज में तो आई थिंक नहीं कहेंगे उसको. मैच्योरिटी के स्टेज के अंदर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी सेल्स जो है ना वो अल्टीमेटली नोन प्रोडक्ट है और वो लाइकवाइज ग्रोथ और मैच्योरिटी के दरमियान की कोई चीज होती है. तो जो उसके एड ऑन वर्जन होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइट कोक आ गई या लेमनेड आ गया इस तरह की. ठीक है. अच्छा, प्राइस वॉर क्रिएट हो जाती है, हर बंदा एक दूसरे के मार्केट शेयर को छीनने की कोशिश कर रहा होता है. सो प्राइस अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर. अगर मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर आपका सर्वाइविंग पॉइंट एस्टेब्लिश ना हो और आप सर्वाइवल स्टेज पर ना हो, तो प्रोडक्ट अल्टीमेटली मार्केट से बाहर निकल जाती है. इसका रीजन ये होता है लोग थक जाते हैं, कहते यार एक जैसी प्रोडक्ट है यार, चलो छोड़ो यार, बहुत थक गए. तो आपको जो ना वो फिर उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना पड़ता है. सही है. लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो स्टिल चला रहे होते हैं उस प्रोडक्ट. ओके. और एज ए रिजल्ट क्या होता है, बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट से निकल जाते हैं, तो आपका कंपटीशन लेस हो जाता है, कम हो जाता है. सही है. लेकिन यहां पर मुझे एक एग्जांपल याद आ गई, वो पाकिस्तान में सर वो एक था हलीब. सर उसके साथ भी यही हुआ था, वो मतलब कंपीट नहीं कर सका, बहुत अच्छा जा रहा था, फिर अचानक निकल गया मार्केट से, निकल गया वो. हलीब अब तो नहीं होगा. हलीब सर क्योंकि अभी ऑलपर आ गया सर, नूरपुर आ गया. यस सर नूरपुर और नेस्ले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर. यस सर बहुत ब्रांड है. यस सर. अच्छा फिर होता ही है कि प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है. Correct. और आपको कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, आप उसको चला रहे होते हैं, जितना चल जाएगा. प्रोडक्ट की एक रेपुटेशन होती है उसको बिल्ड करने के लिए, आप उसको चला रहे होते हैं, लेस प्लेयर्स होते हैं, तो बाज दफा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ भी जाती है और बाज दफा प्रॉफिटेबिलिटी कम भी हो जाती है. सही. करेक्ट. आप देखें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो चार स्टेज है ना, उससे पहले एक और स्टेज होती है जिसके अंदर हम कहते हैं कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग स्टेज होती है. और कहते ये हैं कि आपकी प्रोडक्ट की 70-80% कॉस्ट, यानी कि मेजॉरिटी कॉस्ट उस डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर लॉक हो जाती है. लॉक होने का ये मतलब नहीं होता कि लग जाती, लॉक होने का ये मतलब होता है कि आपने जो भी उसका डिजाइन बनाना है, जो भी उसका स्पेसिफिकेशन है, उसके हिसाब से चीजें आपको प्लान करनी पड़ती. इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोडक्ट लॉन्च होती है और लॉन्च करने के बाद कोई अगर चाहे कि उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर ले,
तो वो कितनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 80% तो प्लान हो चुकी होगी डिजाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर, तो वो सिर्फ 20% कॉस्ट के ऊपर काम करेगा. सही है. अभी आगे जाके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास टारगेट कॉस्टिंग और काइजन कॉस्टिंग, ये दो टॉपिक कनेक्ट होंगे. यस सर, काइजन थ्योरी. हां, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डेवलपमेंट स्टेज से कनेक्टेड. राइट. अच्छा, अब ये एक चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर इंट्रो, ग्रोथ और मैच्योरिटी और डिक्लाइन के ऊपर कुछ फैक्टर्स दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम सेल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल कंसीडरिंग सेल्स इज द फैक्टर, तो सेल्स की पोजीशन क्या है, इनिशियली सेल्स लो होती हैं. ओके. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट फिर राइज होना शुरू हो जाती है. Yes. फिर पीक पे पहुंच जाती है मैक्सिमम. Okay. और उसके बाद डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ जाती है. ऐसा भी हो सकता है कि इंट्रो से डायरेक्ट डिक्लाइनिंग पे चले जाए. ऐसा भी हो सकता है कि वो मैच्योरिटी फेज पे ही रहे सारी जिंदगी. इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी ऑडियंस कैसी है, आपकी मार्केट कैसी है, आपका कॉम्पिटिशन का लेवल कैसा है, आपका एडवांटेज कितना है, ब्रांड है या नहीं है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है. सर, नोकिया की एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं अगर एग्जांपल, सर अगर एग्जांपल दें केस स्टडी में तो नहीं वर्कशॉप नहीं दे सकते. नॉट नीडेड. ओके ओके. जरा से भी कोई एग्जांपल देने का कोई फायदा नहीं है, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. राइट राइट. और जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऐसा ना आपने तुक्के में गलत एग्जांपल लगा दी. ओके सर, एग्जांपल तो वैसे भी हम पाकिस्तान की देंगे ज्यादातर. हाँ, लेकिन वो जरूरत नहीं है. राइट सर, नोकिया यहाँ पर वैसे मैं कह रहा हूँ जनरली, मतलब नोकिया की आप क्या कहते हैं सर, उसका भी यही था. नोकिया तो अपनी मैच्योरिटी के ऊपर था, उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज पे गया. करेक्ट. ऐसा तो नहीं हुआ इंट्रो हुआ फिर दोबारा निकल गया. हाँ, जब नोकिया ने विंडो फोन्स बनाए ना, तब डिक्लाइन हुआ, तब वो इंट्रो स्टेज के ऊपर आया और वो मैच्योरिटी पे पहुंचा ही नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी क्रिएट ही नहीं हुई. राइट सर. सही है. सैमसंग ने हिलने नहीं दिया सर उसको. बिल्कुल जी. कॉस्ट पर कस्टमर, इनिशियली कॉस्ट हाई होती है बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट. उसके बाद जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते हैं कॉस्ट रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और मैच्योरिटी पे जाके कॉस्ट लोवेस्ट साइड के ऊपर चली जाती है. डिक्लाइनिंग पे डिपेंड करता है, कॉस्ट लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंस. सही है. प्रॉफिटेबिलिटी की पोजिशन पे बात की जाए तो इनिशियली इंट्रो पे लॉस हो रहा होता है. ग्रोथ स्टेज के ऊपर प्रॉफिट अचीव हो जाता है. मैच्योरिटी पे प्रॉफिट अपनी पीक पर होता है क्योंकि कॉस्ट कम होती है, रेवेन्यू ज्यादा होता है. और डिक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर कंपनी लॉस में जाना शुरू हो जाती है, इसलिए मेजॉरिटी प्लेयर्स मार्केट से आउट हो जाते हैं. कस्टमर जो आपके खरीदने वाले होते हैं इनिशियली, नए नए कस्टमर्स कौन होते हैं, कौन ट्राई करेगा? इनोवेटर्स. इनोवेटर्स, ठीक है, जो बिल्कुल ना बिल्कुल जो आईफोन 7-8 के चक्कर में बैठे हुए होते हैं दुकान के बाहर. न्यू टेक्नोलॉजी. यस जी. और उसके बाद अर्ली एडॉप्टर्स आते हैं. yeah. उसके बाद सस्ता होने का वेट करते हैं. जी. फिर मेजॉरिटी खरीदती है मेजॉरिटी की स्टेज के ऊपर. और लैगर्ड्स वो होते हैं जो होते हैं ना लकीर के फकीर, वो कहते हैं जी हम तो होंडा ही लेसा, हमें तो आपने सुना होगा. वो कहते हैं जितनी भी टेक्नोलॉजी तरक्की कर जाए मुझे तो यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है. आज भी लोग विंडो एसी इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में. यस सर. अच्छा, कंपटीशन की बात की जाए तो कंपटीशन इंट्रोडक्टरी स्टेज के ऊपर, क्योंकि एक ही प्लेयर होता है, बहुत कम प्लेयर होते हैं, यूनिक प्रोडक्ट होगा तो कोई भी प्लेयर नहीं होगा, ठीक है, नो कॉम्पिटिशन. और जैसे जैसे प्रॉफिट नजर आता है कॉम्पिटिशन बढ़ना शुरू हो जाता है. हमारे यहाँ ये जो फास्ट फूड वो है ना, फ्रोजन फूड. Yes. फ्रोजन फूड के अंदर हमारे यहाँ एक दो प्लेयर थे, KNN था, सही है, yes, वो ही था. लेकिन अब हर एरा गैरा फ्रोजन फूड के अंदर पहुंच गया. करेक्ट. इवन जो ये मिठाई बनाने वाले और बेकर्स थे ना, तुमने फैजान यूनाइटेड yes. बेकरी का नाम सुना होगा, तो ये राहत बेकर्स जी, ये भी फ्रोजन फूड में आ गए. इसका मतलब इतना कॉम्पिटिशन है, आपकी सोच है, इतना कॉम्पिटिशन है, सबको नजर आ रहा है यार प्रॉफिट है बहुत ज्यादा. लोग आजकल बच्चे ये फ्रोजन फूड, और खवातीन जो है ना वो काम करने की उनको आदत नहीं है तो फ्रोजन फूड झटपट तैयार हो जाता है. तो बहुत बड़ी मार्केट है इसकी, लोकली भी इंटरनेशनली. सही है. अच्छा जी, फिर क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर स्टेबलाइज होना शुरू हो जाते हैं.
क्योंकि आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि यार इस प्रोडक्ट में कितना दम है, आगे चलेगा नहीं चलेगा, और डेक्लाइनिंग स्टेज पे वेरी फ्यू कॉम्पिटिशन में रह जाते हैं. ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है इंट्रो स्टेज के ऊपर वो होता है प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करना जल्द से जल्द ताकि लोग खरीदें. ग्रोथ स्टेज के ऊपर हम उसका मार्केट शेयर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं. और मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर हम उसे डिफेंड करने की पोजीशन में आ जाते हैं कि यार ये मार्केट में दूसरी प्रोडक्ट के मुकाबले में इसको एज हासिल रहे. ऑल्दो इसका मार्केट शेयर गिर चुका होगा लेकिन एटलीस्ट मार्केट लीडर बना रहे. और डिक्लाइनिंग स्टेज पर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि क्योंकि ये प्रोडक्ट हमने कंटिन्यू किया हुआ है तो इस पर कम से कम खर्चा किया जाए. सही जी सर, इसमें ये आता है कि वो पब्लिक लिस्टिंग कंपनीज और नॉन लिस्टेड, वो तो जर्नल हमारा टॉपिक है F2 का, इससे क्या कोई ताल्लुक नहीं है उसका. ये तो प्रोडक्ट के बारे में ना, ये तो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में. ओके सर, अगर इसमें इसी से मैं रिलेट कर रहा हूँ, अगर डिक्लाइन हो जाए मतलब उसके शेयर्स मतलब गिर जाएं. अभी आप शेयर्स की बात कर रहे हो ना, हम तो प्रोडक्ट की फिजिकल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. ओके ओके ओके, आप कंपनी के शेयर्स कह रहे हो वो एक अलग चीज हो जाए. ओके सही है. कंपनी 4 P's का नाम सुना तुम लोगों ने? यस सर, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस पढ़ा था. उसकी उसके हिसाब से क्या स्ट्रेटजीज होती है? प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड प्लेस मार्केटिंग. सर अब तो 7 P's भी हमने पढ़े हैं. 7 P's भी आते हैं. बिल्कुल, 7 P's ज्यादातर सर्विस सेक्टर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं. यस सर, प्रोडक्टिविटी, पीपल, फिजिकल एविडेंस. अभी हम 4 P's को डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर हम प्रोडक्ट की नेचर की बात करें तो इंट्रोडक्टरी स्टेज के ऊपर एक बेसिक प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है. ग्रोथ स्टेज के ऊपर उस प्रोडक्ट की एक्सटेंशन ऑफर की जाती है क्योंकि कंपटीशन लुक में पब्लिक आ चुकी होती है. अब आप उसके अंदर वैरायटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर आप कोशिश करते हैं कि यार ये ब्रांड बन जाए ताकि लोग दूसरे मार्केट से भागें और हम मार्केट में स्टे करें. और डेक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर वो प्रोडक्ट बिल्कुल ही लैगर्ड्स और लीस्ट लाइकली प्रोडक्ट के अंदर शामिल हो जाते हैं. प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेरी करती है कि इंट्रोडक्टरी स्टेज के ऊपर क्या होगी. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. अगर वो प्रोडक्ट यूनिक नेचर का है, अगर वो कोई इनोवेटिव टाइप का प्रोडक्ट है, कोई बिल्कुल ही नई चीज लेकर आ गए मार्केट के अंदर आप, तो फिर आप उसकी प्रोडक्ट की प्राइस जो रखते हैं ना, वो प्रोडक्ट की प्राइस कॉस्ट प्लस भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट की प्राइस जो होती है वो हाई प्रीमियम प्राइसिंग भी हो सकती है. Okay. लेकिन इनिशियली हम क्या करते हैं, इनिशियली हम हाई प्राइस रखते हैं और उसके अंदर मार्कअप ज्यादा रखते हैं ताकि हमारी फिक्स कॉस्ट जल्द से जल्द कवर हो जाए. ये स्ट्रेटजी उन प्रोडक्ट के लिए ज्यादा यूजफुल होती है जिनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है. यानी कि मैं बात कर रहा हूँ स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज की जाए क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट मार्केट से जल्द से बाहर आ गई तो आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं होगी. इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हाई प्राइस रख के फिक्स कॉस्ट को रिकवर किया जाए. लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पर आती है और कंपटीशन में लोग आना शुरू हो जाते हैं तो हम कॉम्पिटिटर्स को आउट करने के लिए प्राइस रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं. यस सर, मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर हम देखते हैं मार्केट में लोग क्या ऑफर कर रहे हैं और हम क्या ऑफर कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि प्राइसिंग सिमिलर हो. क्रीप क्रीप सर. और डेक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल लो कर दी जाती हैं ताकि लोग उसको खरीदें, उनकी बाइंग पोजीशन बरकरार रहे. राइट. अच्छा, ये सब सब्जेक्ट टू है ना, ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट? बिल्कुल ठीक है. यस. मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमने थोड़ी देर पहले वैसे डिस्कस की थी कि इनिशियल स्टेज के ऊपर हाई मार्केटिंग कॉस्ट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत होती है, बड़ी बड़ी कैंपेन्स लॉन्च होती है. ठीक है, फिर ग्रोथ स्टेज के ऊपर अवेयरनेस ज्यादा हो जाती है. सही है, तो आपकी मार्केटिंग का थोड़ा सा पेस स्लो हो जाता है. और मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर आपकी मार्केटिंग जो होती है उसमें आप ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं और इमेज बिल्ड करते हैं, डिफरेंशिएशन की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, और डिक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर क्योंकि आपके पास सिलेक्टेड कस्टमर्स होते हैं जो मार्केटिंग की ऐसी जरूरत नहीं. राइट. प्राइसिंग की बात की जाए, प्लेस की बात की जाए, तो आप क्योंकि नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, आपके पास लिमिटेड रिटेलर्स होते हैं, आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं स्टोर्स के, तो लिमिटेड प्लेसेस पर आप सेल करते हैं.
लेकिन जैसे ही उसकी ग्रोथ होती है, मार्केट बढ़ना शुरू होती है, आप नंबर ऑफ रिटेलर्स बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ आउटलेट्स खोल देते हैं, ऑनलाइन की तरफ चले जाते हैं, और मैच्योरिटी पे आपकी मैक्सिमम आउटलेट्स में वो बिक रहा होता है, और डेक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर आप अपने तमाम स्टोर्स बंद कर देते हैं और सेलेक्टेड प्लेस के ऊपर वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आपकी मिलती है। राइट सर, सही है। इस मॉडल की यूजफुलनेस, अच्छा अभी है ना, एक बात ध्यान में रहे, अभी हम इसको कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे, ओके, जस्ट जेनेरिक सर। हाँ, इसको हम बिजनेस मॉडल के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की क्या इम्पोर्टेंस है और उस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। Right. अच्छा जी, इस मॉडल को आप फायदा ये स्टडी करने का कि इससे आपकी प्लानिंग इम्प्रूव हो जाती है, ये आपको फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग को करने के लिए फोर्स करता है कि आप सोचें अहेड कि जी ग्रोथ स्टेज आएगी तो क्या होगा, डिक्लाइनिंग स्टेज आएगी तो क्या होगा, तो आपको चीजों को प्लान करने में आसानी होती है, R&D पे कितना पैसा लगाना है, डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, ठीक है। Right. ये आपको बजट बनाने में हेल्प आउट करती है कि आपको आगे रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए और इन रिसोर्सेज के लिए आपकी प्लानिंग क्या होगी। Right. Right. इसके अलावा ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव अप्रोच नहीं है। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव अप्रोच में फर्क ये होता है कि रिएक्टिव अप्रोच ये होती है चीजें होने के बाद आप कुछ करते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच ये होती है आपसे पहले से प्लान करके रखते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को कितना एक्सटेंड करना है, इसका पोटेंशियल कितना है, और अगर ये एक्सटेंड नहीं हो सकती इन केस शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, क्योंकि बाद दफा प्रोडक्ट की नेचर पे भी डिपेंड करता है। राइट, तो फिर आप कहते हैं यार हमें इसी हिसाब से प्लान करना है कि इसकी आगे स्टेज क्या होती है, हम इसे प्रोलॉन्ग करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। यस सही, मतलब एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शॉर्ट है, आपने उसकी इन्वेंट्री बना के रख दी बहुत ज्यादा, बिकेगी नहीं वो कुछ अर्से बाद, जैसे फॉर एग्जांपल सीजनल नेचर की प्रोडक्ट्स होती है। Right. अब जैसे वर्ल्ड कप आया फॉर एग्जांपल, अब वर्ल्ड कप से रिलेटेड आपने कोई प्रोडक्ट बना दी, आपको पता है वर्ल्ड कप 50 दिन या 60 दिन में खत्म हो जाता है, तो आप ज्यादा इन्वेंट्री पाइल अप नहीं कर सकते, आपको नुकसान हो जाएगा। फिर पता ये लगा कि वो सड़कों पे ना उसकी दुर्गत बनी हुई है उस प्रोडक्ट की। राइट, सही है। राइट, तो ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया आपका उसका। इसी के साथ एक कनेक्टेड मॉडल है, दैट इज कॉल्ड पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजीज। पोर्टर्स 5, वो जो 5 सर, नहीं प्रोडक्ट 5 फोर्सेस मॉडल एक अलग है, जेनेरिक स्ट्रेटजी अलग है। ओके, मैं इसको 5 फोर्सेस के साथ भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कनेक्ट करके लेके चलूंगा ताकि हम 5 फोर्सेस का भी एक आइडिया ले लें। राइट सर, एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि आप ये एडवाइस करें कि कौन सी जेनेरिक स्ट्रेटजी इस कंपनी के लिए सूटेबल है ग्रैपल के लिए, आप उसकी एक जेनेरिक स्ट्रेटजी पे बात कर सकते हैं, दूसरी पे बात कर सकते हैं, उसमें से चूज कर सकते हैं कि कौन सी जेनेरिक स्ट्रेटजी आपके लिए सूटेबल होती है। जेनेरिक स्ट्रेटजीज हैं क्या, पोर्टर्स एडवाइस करता है कि 3 तरह की जेनेरिक स्ट्रेटजीज होती है। राइट सर, एक जेनेरिक स्ट्रेटजी होती है कि आप कॉस्ट लीडर बन जाए इंडस्ट्री के अंदर, आप ऑपरेट करें एज अ कॉस्ट लीडर। अगर आप कॉस्ट लीडर ऑपरेट करते हैं तो उसका उसके लिए आपको ऑपरेट करने के लिए शर्त यह है कि आपकी कॉस्ट सबसे लोवेस्ट होनी चाहिए। जब आपकी कॉस्ट लोवेस्ट होगी तो आपका प्रॉफिट अल्टीमेटली ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, आपकी सेल्स भी ज्यादा होंगी, लोग आपके पास ज्यादा आएंगे, सेल्स ज्यादा होंगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आपको ये शेडेड पोर्शन जो है प्रॉफिट का ज्यादा नजर आ रहा है यहाँ पर। Right. दूसरी स्ट्रेटजी ये हो सकती है, अच्छा एक बात ध्यान में रहे, एक बात ध्यान में रहे कि एक ही लीडर होता है, लीडर एक से ज्यादा नहीं होता। सही है, तो कॉस्ट लीडर होने का मतलब है एक को इतना सिग्निफिकेंट एडवांटेज होगा कि वो बाकी लोग जो है ना वो कहेंगे यार हम ये एडवांटेज ले नहीं सकते, तो मार्केट में ऑटोमेटिकली कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप बात कर ले हुआवे की, हुआवे मोबाइल फोन के अंदर वही चीज जो सैमसंग जो है ना वो 50-60 हजार 70-80 हजार में देता है, हुआवे उसका वर्जन बना के आपको दे देता 20-22 हजार रुपए के अंदर। तो क्या होता है, उसको एडवांटेज होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जब उसको एडवांटेज होता है तो वो लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर देता है।
This is one of my idea, na, right? You can disagree. Yeah. Achha, dusri strategy hoti hai, differentiator. Differentiator kaun hote hai? Differentiator is baat pe believe karte hai ki yaar hum sasta nahi bechenge. BMW. Branded. Apple, iPhone. सही है ये डिफरेंशिएटर वो कहते हैं यार हमें वॉल्यूम चाहिए नहीं सही है या अगर हमें वॉल्यूम चाहिए भी तो हमें वॉल्यूम जो है ना वो प्राइस लो करके नहीं चाहिए बल्कि हम हाई प्राइस करके वॉल्यूम अचीव करें तो डिफरेंशिएटर जो होता है वो अल्टीमेटली क्योंकि प्रोडक्ट बहुत क्लास की प्रोडक्ट बना रहा होता है तो उसकी कॉस्ट लो नहीं हो सकती क्योंकि उसकी प्रोडक्ट में बहुत एक्सटेंसिव फीचर्स होते हैं जैसे एप्पल में डिजाइनिंग तो प्रॉफिट उसका ज्यादा होता है क्योंकि वो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहा होता है ये अभी हमने पढ़ा है ना स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी यस तो प्रॉफिट दोनों को ज्यादा अचीव हो रहा है अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं आप सर लिख रहे हैं नोट्स लिख रहे हैं या क्या आपको नहीं नजर आ रहा स्क्रीन नो सर मुझे सिर्फ स्लाइड्स नजर आ रही हैं जो आपने पहले वाली ओपन की Yes, sir. Short life cycle जो आपने लिखा था last वही आ रहा है मैं हालांकि शेयर कर चुका हूँ No, sir, इधर अब बताएं अब आ रहा है अब आ गया तो ultimately या तो आप cost leader के तौर पर operate कर लें या आप differentiator के तौर पर operate कर लें depends on the nature of operation it also depends what type of industry you are in सही है industry कैसी है अच्छा कुछ इंडस्ट्री कंपनीज ऐसी होती हैं कि उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है लेकिन उनका प्रॉफिट लो होता है क्योंकि वो दोनों चीजें करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं वो बीच में स्टक अप हो जाते हैं जो कि पोर्टर एडवाइस करता है ऐसा नहीं होना चाहिए वो कहता है आप आइदर और करके स्ट्रेटजी अडॉप्ट या तो आप कॉस्ट लीडर बन जाए या आप डिफरेंशिएटर बन जाएं अच्छा जी अब इसको डिटेल में देख लेते हैं पोर्टर सेट आउट थ्री जेनेरिक स्ट्रेटजी कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन एंड फोकस फोकस का मतलब ये होता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट के अंदर जाएं वहां पर आप लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं और डिफरेंशिएटर भी हो सकते हैं सही है और अगर आप एक बड़ी मार्केट को टारगेट करते हैं एज अ कॉस्ट लीडर या डिफरेंशिएटर वो एक अलग फिनोमेना होता है पोर्टर आर्ग्यू दैट ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एड्रेस टू की क्वेश्चंस शुड द स्ट्रेटजी बी वन ऑफ द डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप Or should the scope be wide or narrow? जैसे कि अगर एक small company होगी, तो वो उसका scope wider तो हो नहीं सकता, सही है? वो अपने narrow scope के अंदर एक niche market के अंदर जाके या तो differentiator के तौर पे operate करेगा या cost leader के तौर पे operate करेगा। Niche के अंदर usually cost leader बनना बहुत मुश्किल काम होता है, almost impossible। लेकिन आप niche के अंदर डिफरेंशिएशन क्रिएट इजीली कर सकते हैं सही है कॉस्ट लीडरशिप हियर अ कंपनी इज सप्लाइंग अ बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस इनटू अ कॉम्पिटिटिव मार्केट इट कैन नॉट पुट इट प्राइस अप बिकॉज द प्रोडक्ट इज ऑर्डिनरी एंड देर आर कॉम्पिटिटर्स सप्लाइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्ट इफ द सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी रेज द ओनली वे द कंपनी कैन इंप्रूव इट्स मार्जिन is to lower its cost. अब सवाल ये पैदा होता है कि cost leader बनेगा कैसे? बहुत मुश्किल काम है सर ये तो. सही है ना? अब इसके लिए scale of operation बहुत matter करता है. अगर आपका scale of operation अच्छा हो जाए ना, तो आप cost leader easily बन सकते हैं. तुमने concept सुना होगा monopoly का? Yep. तो ये natural monopolies क्यों create की जाती हैं? जैसे electricity के अंदर natural monopoly होती है, water के अंदर होती है. सही है ट्रेवलिंग के अंदर होती है जैसे हमारे यहाँ एक जमाने में हमारे यहाँ मोनोपोली थी उसकी के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली सही है
तो वो तो अभी भी है ना, एयरलाइन के अंदर PIA की मोनोपोली, PTCL की मोनोपोली, ये जानबूझ के नेचुरल मोनोपोली क्रिएट की जाती है ताकि इनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतना बढ़ जाए कि ये लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बन जाए. अ कॉस्ट लीडर एम्स टू हैव द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ऑल इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड इट्स कॉम्पिटिटर्स आर लायबल टू बी स्टक इन द मिडल स्क्यूज्ड बिटवीन लो प्राइसेस एंड हाई कॉस्ट सो मेकिंग मिजरेबल प्रॉफिट. The cost leader will be a much stronger financially and will have spare cash to spend on marketing, development, and the purchase of new machinery. It could even drop its selling price temporarily to put extra pressure on competitors. Weaker competitors could be forced out of the market, reducing competitors' pressure and making the cost leader even stronger. So, ye loss mein bhi bech dete hain baaz dafa. Ye huge marketing ke upar initially paisa laga dete hain taki baaki log bhag jaye. और अल्टीमेटली हम फिर मार्केट के अंदर सर्वाइविंग पोजीशन के अंदर आ जाते हैं. राइट, सही है. ओके, अब क्योंकि हमारे सिलेबस में कॉस्टिंग स्ट्रेटजीज बहुत ज्यादा हैं, तो कॉस्ट लीडर्स के लिए हमें कॉस्टिंग स्ट्रेटजीज का बड़ा अच्छा आइडिया होना चाहिए कि जी कॉस्ट कैसे रिड्यूस करते हैं ये वो. राइट, राइट. कॉस्ट लीडर्स नीड टू हैव फिरोशियस कॉस्ट कंट्रोल्स. कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में फर्क होता है, आगे जाके बताऊंगा क्या फर्क होता है. कॉस्ट कंट्रोल ज्यादा अच्छी चीज है रादर देन कॉस्ट रिडक्शन. सही है. देयर ओनली ट्रिक इज कीपिंग कॉस्ट लो एंड दैट इज देयरफॉर वेयर दे मस्ट पे ग्रेटर अटेंशन. द होल कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी फोकस्ड ऑन कॉस्ट कंट्रोल. इसके अंदर आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी आ सकता है, टारगेट कॉस्टिंग भी आ सकती है. दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है कॉस्ट कंट्रोल के लिए. An excellent example of a very successful cost leader is the Irish airline company Ryanair. This company is enormously profitable. The way it uses to keep costs down, including non-reclining seats, cheaper, lighter, nothing to break down, no seats pockets, nothing to clean out after each flight, use of cheap airports, modern efficient aircraft, web-based communication with customers. तुम लोगों ने नाम सुना होगा मलिंडो एयरलाइन का, मलेशिया में चलती जी. मलिंडो बहुत चीपर है. मलिंडो आपको पानी का गिलास भी नहीं देता जहाज के अंदर, लगेज भी नहीं देता, सही है, कुछ भी नहीं देता, सिर्फ जहाज में बैठ जाएं आप जाकर. अब वहां पर अल्टीमेटली जो ना वो इतना एफिशिएंट है कि आप तकरीबन आप समझ ले 1500 के अंदर आप जो ना एक जगह से दूसरी जगह जा सकते. आपको क्या लेके जाइए. लेकिन जैसे ही वहां पर आप खाना पीना चाहिए अलग से चार्ज करेंगे, लगेज लेना है अलग से चार्ज करेंगे, तो वहां से कमा रहे हो. सही है. और ज्यादातर जो जहाज उनके होते हैं वो होते हैं ये आपके ATR वगैरह ना, छोटे छोटे जहाज होते हैं 50-60-70-80 बंदों के, तो स्टाफ की भी जरूरत नहीं होती. एक पायलट बैठा और दो एयर होस्टेस बैठी है, चल भाई एक घंटे के अंदर फारिग. सही है. तो ये जो Ryanair है ना, ये Ryanair एक ऐसी कंपनी है कि जब सारी एयरलाइन लॉस में जा रही थी ना, Ryanair प्रॉफिट में जा रही थी. और Ryanair की फ्यूचर मैंने पढ़ा था एक जगह कि Ryanair इज थिंकिंग अबाउट कि फ्यूचर में टिकट खत्म कर यानी कि आप आ जाए भाई बैठ जाए और मुफ्त में बैठे, सिर्फ टैक्सेस पे करें और हमारा कोई टिकट नहीं है. लेकिन आप जब घुसेंगे ना जहाज के अंदर तो आपको एक चीज बाय करनी, आपको लेग स्पेस चाहिए आपको बाय करना पड़ेगा $1, खिड़की की जगह चाहिए $1, ये चाहिए $1, तो बहुत सारी चीजें वो इसी तरह से गैदर करके प्रॉफिटेबल बन सके. और प्लस ये कि वो जहाज की सीट्स के ऊपर मार्केटिंग की स्पेस दे दें दूसरी कंपनीज को कि आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करें, जहाज के अंदर मार्केट करें, तो वहां से वो रेवेन्यू कमाते हैं. तो उनके पास ऑल्टरनेटिव मीन्स हैं, इसलिए जब रिसेशन आता है और बाकी तक तमाम कंपनीज स्ट्रगल कर रही होती हैं तो Ryanair स्ट्रगल नहीं कर रही होती, Ryanair स्टिल प्रॉफिटेबल होती. सही है. कॉस्ट लीडर्स आर नॉट गारंटीड अ सिक्योर फ्यूचर. दे आर फॉर एग्जांपल वल्नरेबल टू टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रू व्हिच माइट अलाउ अ कॉम्पिटिटर टू बिकम इवन चीपर. आपको नई टेक्नोलॉजी आ जाए और इस नई टेक्नोलॉजी से अगर कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो आपका ये जो एडवांटेज है वो कोई और ले जाएगा और वो मार्केट लीडर बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट लीडरशिप. तो कॉस्ट लीडर रहने के लिए आपको कंटिन्यूअसली इनोवेशन भी करनी होती है, इन्वेस्टमेंट भी करनी. अब जो काम की चीज है,
कॉस्ट लीडर बनते कैसे? पहली चीज टू एस्टेब्लिश इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि मैस प्रोडक्शन की तरफ चले जाए, बल्क ऑपरेशन की तरफ चले जाए। जब तक मैस प्रोडक्शन नहीं होगी कॉस्ट लीडरशिप अचीव नहीं हो सकती। हाउ यू कैन अचीव योर फिक्स कॉस्ट डाउन? कैसे करेंगे? ज्यादा प्रोड्यूस करें, बल्क में प्रोड्यूस करें। यूज द लेटेस्ट मोस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस कॉस्ट एंड और इनहेंस प्रोडक्टिविटी। टाइम कम करें प्रोडक्शन का, सही है, वेस्टेज का रेट कम कर दें, बीच में से नंबर ऑफ लेयर्स हटा दें ताकि जल्दी जल्दी प्रोडक्शन हो, कॉस्ट सेव हो, ऑटोमेशन ले आए, लेबर की इन्वॉल्वमेंट कम करें। ठीक है सर, ग्रैपल जो कर रहा था जी, बिल्कुल ग्रैपल के अंदर ये एग्जांपल थी। लर्निंग कर्व अफेक्ट लेकर आए, यानी कि स्किल्ड स्टाफ रखें ताकि वो कोई भी चीज सीखे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम होना शुरू हो। इसका पूरा टॉपिक आएगा आगे जाके लर्निंग कर्व। सर वो एक मिनट रह गया, कैसे दोबारा कनेक्ट करते?